और चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। देश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पहली बार 24 घंटे में 1,68,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तो ये चिंतनीय स्थिति लगातार बनी हुई है। देश में 900 से ज्यादा मरीजों की जान भी गई है। लगातार बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और जो पुराने यानी कि जो एक साल से स्थिति कोरोना को लेकर हमने देखी वो लगातार रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और कोरोना एक बार फिर से नए रिकॉर्ड बना रहा है। देखिए 1,68,000 का ये आंकड़ा तो समझिए किस तरीके से और कितनी भयंकर रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। देश में कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में आज फिर से कोरोना ने नया कीर्तिमान बनाया है। हालांकि महाराष्ट्र में आज कल के मुकाबले करीब 10,000 केस कम आए हैं, लेकिन संख्या कम हुई है, लेकिन संकट कम नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए आप। चौबीस घंटे 2,02,000 नए केस, 904 की मौत। ये भयानक आंकड़े कोरोना संक्रमितों के हैं, जो काल रूपी राक्षस कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बनकर टूट रही है और हर तरफ हालात बेकाबू दिख रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के अंदर 1,68,912 नए केस सामने आए, जबकि 904 संक्रमितों की मौत हो गई। अकेले महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 51,751 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 248 मरीजों की मौत हो गई। वही राजधानी दिल्ली में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में 11,451 नए केस सामने आए हैं और 72 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर ने किस कदर कोहराम मचाया हुआ है और देश में हालात क्या हो गए हैं। वही राज्य सरकारों ने भी मजबूरी में कई कदम उठाए हैं। राजधानी दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। चंडीगढ़ में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। उड़ीसा के 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। गुजरात के 19 जिलों में 30 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में जल्द लॉकडाउन लगाने की तैयारी। अन्य राज्यों में भी जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन वहाँ कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय अलग है। और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे और जनता ने 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का फार्मूला नहीं अपनाया तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लॉकडाउन की आहट से पलायन यहां पर शुरू हो चुका है। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो सर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये संभव है कि ऐलान पूर्ण हो जाए कि लॉकडाउन लगेगा, तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूर है जो वहां पर काम करने के लिए गए हैं महाराष्ट्र में, भारी संख्या इनकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक डर और अब पलायन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की ये सूनी सड़कें एक बार फिर साल भर पहले की याद दिलाने लगी हैं। कोरोना की नई लहर हर दिन कहर बनकर टूट रही है और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा महाराष्ट्र को उठाना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 51,751 लोग पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें 258 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि मुंबई में 24 घंटे में 6,905 लोग संक्रमित हुए और 43 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक 34,58,900 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 58,245 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार लोगों को डराने लगी है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। लिहाजा पहले से जारी पाबंदियों के बाद उद्धव सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा टालने का फैसला किया है। अब 10वीं की परीक्षा जून में होगी और 12वीं का एग्जाम मई में कराया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने CBSE और ICSE बोर्ड से भी परीक्षा तारीखों पर पुनर्विचार करने की अपील की है। हर दिन महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ती जा रही है। राज्य में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का फैसला उद्धव सरकार पहले ही कर चुकी है।
ऐसे में उद्धव सरकार लगातार मंथन कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख के मुताबिक सरकार लॉकडाउन का प्लान तैयार कर चुकी है, बस मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना विकराल होता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हॉस्पिटलों में बेड का संकट खड़ा हो गया है। यही संकट जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात करते हुए भी नजर आए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिल्ली में 24 घंटे में 11,491 नए मरीज सामने आए हैं। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। दिल्ली जो कि एक चिंता का विषय लगातार बनती नजर आ रही है, 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में 11,491 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। तो देखिए, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बता रहे हैं कि सतर्क होने का समय आ गया है, वरना बहुत बड़ा संकट हम सबके सामने आ सकता है।